नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत मोहित त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। और आज का मेरा टॉपिक है कक्षा 11 के लिए संस्कृत खंड का पहला पाठ। जी हाँ, जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उनको हिंदी जैसे विषय में अनिवार्य संस्कृत पढ़ना वो अनिवार्य है, क्योंकि नाम ही उसका क्या है, अनिवार्य संस्कृत। यानी जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में एक खंड आपका अनिवार्य संस्कृत का होता है, और उसी खंड से मैं पहला पाठ वंदना लेकर के आज आपके सामने हूं। तो आइए इस पाठ को शुरू करेंगे। शुरू करने के पहले सभी सम्मान्य शिक्षकगण, सम्मान्य प्रधानाचार्यगण, सम्मान्य अभिभावकगण, जो लोग भी हमारे चैनल पर जुड़ते हैं, सभी का सादर अभिवादन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर लगातार जुड़ते हैं, उन सभी को बहुत सारा स्नेह समर्पित करता हूं। और छोटा सा रिक्वेस्ट की प्लीज, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करके रख लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पाठ, यूपी बोर्ड कक्षा 11 के लिए संस्कृत खंड का पाठ एक, यानी वंदना। वंदना हमारे सामने है, पहला श्लोक हम लोग यहां से पढ़ेंगे। ये श्लोक बाय श्लोक दिए हुए हैं। जी हाँ मित्रों, ये उपनिषदों के श्लोक हैं। इन श्लोकों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके समझेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक, विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। कहते हैं क्या, हे विश्वानि देव। विश्वानि देव मतलब, विश्वानि देव किसके लिए प्रयोग हुआ, सूर्य के लिए। हे विश्वानि देव, हे सूर्य भगवान। विश्वानि देव मतलब सूर्य भगवान, यानी हमारा जो व्यक्ति है, जो शिष्य है, वह प्रार्थना कर रहा है सूर्य भगवान से। विश्वानि देव सवितः, सविता नाम भी सूर्य का है, इसलिए कहते हैं हे सूर्य देव, जो संपूर्ण विश्व को आच्छादित किए हुए हैं अपने प्रकाश से, ऐसे सूर्य देव। दुरितानी परासुवः, जितनी गंदगियां हैं, दुरितानी का मतलब हो गया गंदगियां, जितनी भी बुराइयां हैं उनको क्या करो, परासुव ऊपर ऊपर उड़ा दो, यानी उसको समाप्त कर दो। हे सूर्यदेव, जो संपूर्ण विश्व को आच्छादित किए हुए हैं, हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनको परासुव, यानी उनको हटा दो, उनको दूर कर दो। और यद भद्रम, जो अच्छा है, भद्रम यानी अच्छा, यद भद्रम जो अच्छा है, तन नह हम सब में आसुव लाके भर दो। नह शब्द आया है तत् नह तन नह। नह शब्द कैसे बनता है, मे नौ नह, ये रूप चलता है, नह मतलब हम सब। कहा यद भद्रम तन नह आसुवः, जो अच्छा है वह सब ला करके हम सब में आरोपित कर दो, हमारे अंदर भर दो। दूसरा श्लोक, ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजे था मा गृधः कस्य स्वधनम्। कहा ईशावास्यम इदं सर्वं, यह सर्व, इदम सर्वम यह सब, ईशावास्यम इदम ईश्वर के द्वारा ही आवास्य है, यानी ईश के द्वारा ही आच्छादित है, ईश के द्वारा ही व्याप्त है। समझ में अगली बात, ईशावास्यम इदम सर्वम, यह सब कुछ, इदम सर्वम यह सब कुछ ईशावास्यम ईश्वर से ही आच्छादित है, यानी सब कुछ ऑलमाइटी गॉड के नजर में है, यू आर अंडर सर्विलांस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। कहा ईशावास्यम इदम सर्वम, यह सब कुछ क्या है, भगवान के द्वारा ही आच्छादित है। क्या क्या चीज, यत किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस धरती पर है या यह संसार है, जगती का मतलब होता है धरती, जगत्याम जगत, इस धरती पर जितनी सृष्टि हुई है, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, वह सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही आच्छादित है। प्रथम पंक्ति समझ में आई, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच, जो कुछ भी जगत्याम धरती पर, जगत यानी धरती पर सृजित है, इस धरती पर जो कुछ भी है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज, वो क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम, यह सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही आच्छादित है। तो क्या करना है हमें, दूसरी पंक्ति कहती है तेन, उसको त्यक्तेन त्याग पूर्वक भुंजी था उपयोग करें, खाएं, यूज करें।
तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उसको त्याग पूर्वक भोग करें। जो कुछ भी ईश्वर ने दिया इस धरती पर उसको क्या करना है, त्याग पूर्वक। तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः, गृधः शब्द आया, गृधः मतलब लालच, मां नहीं, मां का मतलब होता है नहीं, गृधः मतलब लालच, लालच मत करो। किसका, कस्य धनम, किसी दूसरे के धन का, किसी दूसरे के पास जो धन है ना उस धन की लालच न करें। हम सब क्या करें, जो कुछ भी इस संसार में है वह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, उसको त्याग पूर्वक उपयोग करें, किसी दूसरे के धन की लालच न करें। आइए तीसरे श्लोक पे चलते हैं। सामान्यतः इसको लोग भोजन मंत्र मान लेते हैं। जितने भी हमारे विद्या मंदिर के भैया बहने होंगे ना, वो सब इस श्लोक को याद किए होंगे। जी हाँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट है सरस्वती विद्या मंदिर, क्योंकि मैं सरस्वती विद्या मंदिर का ही पुरातन छात्र हूं, तो इसलिए मैं इस श्लोक को बहुत तेजी से याद रखता हूं। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। क्या कहा, गुरु और शिष्य दो साथ साथ बैठे हैं, दोनों साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सहना ववतु, साथ साथ आए मैं और गुरुदेव भगवान, क्या करें, साथ साथ आए। सहनौ भुनक्तु, साथ साथ खाएं। सह नौ भुनक्तु, हम दोनों क्या करें, साथ साथ खाएं। सह वीर्यम करवा वह, बल दोनों मिला करके अपने कार्य को करें। वीर्य शब्द का आया बल के लिए, शक्ति के लिए। इन्होंने कहा सह वीर्यम करवा वह, दोनों लोग अपनी शक्ति को मिला करके किसी कार्य को करें, यानी अकेला काम नहीं करना, दोनों लोग मिल करके किसी कार्य को करें। और तेजस्विनः अवधीतम अस्तु, अवधीत जो ज्ञात है, जो हमने पढ़ा है। अवधीत का मतलब क्या होता है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है वह क्या हो, तेजस्विनः, यानी वह तेज पूर्वक हो, यानी वह हमारे अंदर ओज पैदा करे, वह तेज पैदा करे। मां विद्विषाव है, किसी प्रकार का विद्वेष न हो, यानी किसी प्रकार का हमारे अंदर झगड़ा डंटा न आवे, यानी हम में किसी तरह का विद्वेष न हो, हम में दोनों में क्या हो, एक तेज पुंज के रूप में वह ज्ञान प्राप्त हो, जो ज्ञान हम सभी ने प्राप्त किया है। यदि कुल मिला जुला करके सहयोग की भावना को व्यक्त करने वाला है श्लोक, कि हम दोनों साथ साथ आवे, साथ साथ खाएं, साथ साथ मिलकर के बलपूर्वक कोई कार्य करें, जो कुछ भी हमने अध्ययन किया है वह हमको तेजस्वी बनावे और हमारे मन में किसी प्रकार का द्वेष यानी विद्वेष न हो। आइए चौथा श्लोक, हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य, क्या कहा, उतिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। क्या कहा इन्होंने, उतिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागृत जगे रहो, प्राप्य वरान निबोधत, इसको थोड़ा सा अन्वय कर दीजिए, वरान निप्राप्य बोधत, जो ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, जो वर प्राप्त हो रहा है, उस वर को क्या करो, ज्ञात करो, जानो, सुनो, समझो। कुल मिला जुला के इसका भावार्थ लोग निकाल लेते हैं, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति के पहले रुको मत, यही निकालते हैं ना। लेकिन श्लोक के जब शब्द अर्थ देखेंगे तो ये क्या कहेंगे, कि उठो जागो और ईश्वर से जो आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है उसे जानो, यानी ईश्वर का आशीष प्राप्त करो, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और आइए चलेंगे पांचवें श्लोक पे। पांचवा श्लोक क्या कहता है, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुः शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। कहा यतो यतः समीहसे, जहां जहां दिखाई दे रहा है, समीहसे मतलब जहां जहां मिल रहा है, जहां जहां दिखाई देगा, जो कुछ भी इस संसार में है, ततः न अभयं कुरुः, उससे हमको क्या करो, अभय कर दो, अर्थात हमको डरहीन कर दो, यानी कुल मिला जुला के मुझे शक्तिशाली बना दो, ताकि संसार में किसी भी चीज से हम डरे मत। डर कब समाप्त होगा, दो चीजों से डर समाप्त होता है, जब आपके पास ज्ञान हो और जब आपके पास शक्ति हो।
या तो ज्ञान हो तो डर समाप्त, नहीं तो शक्ति हो तो डर समाप्त। यदि दोनों में से किसी एक का भाव है तो आपको डर लगेगा। कहा यतो यतः समीह से, जहां जहां तक दिखाई दे रहा है तथा ना भयंकुरु, वहां वहां हे ईश्वर हमको अभय कर दो, वहां वहां से हमको डरहीन कर दो, यानी हमको शक्ति दे दो, हमको बल दे दो, विद्या दे दो, ताकि हम संसार में क्या हो जाए, कभी किसी चीज से डरे नहीं। और कहा शन्नह कुरु प्रजाभ्यः, और हमारी जो प्रजा है यानी हमारी जो आने वाली संसति है, यानी हमारे पुत्र, उनके पुत्र, उनके पुत्र, यानी हमारी पीढ़ियों को भी अभय करो, और अभयम नह पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को भी अभय कर दो। यानी हमारी जो संपत्ति है, यानी हमारे जो पशु दरवाजे पे हैं, जिनके भरोसे खेती किसानी का कार्य होता है, उन पशुओं को भी अभय कर दो, यानी उन पशुओं के अंदर भी बल और तेज का समावेश कर दो। ईश्वर से क्या मांगा, जहां जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक हमको डरहीन कर दो, अर्थात वहां तक अभय कर दो, और केवल हमें ही मत करो, हमारी पीढ़ियों को भी अभय करो, और हमारे पशुओं को भी अभय कर दो, यानी हमारी पीढ़ियां और हमारे पशु ये सब के सब तुम्हारी कृपा प्राप्त करके शक्तिशाली हो जाएं, तेजस्वी हो जाएं, और कभी भी किसी भी परिस्थिति में डरे नहीं। ये पांच श्लोक आज हमारे इस पाठ में थे। ये पाठ मैंने आज आपके सामने रखा, यूपी बोर्ड कक्षा 11 के अनिवार्य संस्कृत का ये पहला पाठ था, वंदना। यदि ये पाठ आपको समझने में किस तरह की कोई असुविधा होती है, यदि कोई प्रश्न उठता है, आप हमको यहीं नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, या फिर हमारे नंबर आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे भी मुझे फुर्सत मिलेगी मैं तुरंत उसे देख करके आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, मैं रविकांत मित्र पाठी आज ये पहला चैप्टर लेके आपके सामने था। एक बार फिर से जितने भी सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रधानाचार्यगण जुड़े रहे, सभी के श्री चरणों में सादर अभिवादन। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े उन सभी को ढेर सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, उज्जवल भविष्य की कामना। चलते चलते छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल रविकांत मित्र पाठी को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपडेट होता है वो रेगुलरली आपको मिलता रहे। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।